लेकिन जितना हमारे प्रधानमंत्री को आप गाली पढ़ेंगे उतना ही हमारे प्रधानमंत्री का स्तर बढ़ता है और जदयू के खंभे हिल रहे हैं। प्रधानमंत्री का खाब लेकर के विपक्षियों को जोड़ने की बात चलने वाले नीतीश बाबू आज इतने निरीह क्यों दिखाई पड़ रहे हैं। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं शकीना सिद्दीकी। देखिए, आज केंद्रीय बजट को लेकर बिहार में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जहां पर बजट को लेकर बातचीत की। साथ साथ उन्होंने आने वाले चुनाव में 2024 के चुनाव को लेकर साफ साफ बात करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। जी हां, आपको बता दें कि बीजेपी की सरकार बनने का साफ तौर पर रविशंकर प्रसाद ने दावा कर दिया है। जरा देखिए इस वीडियो में। पहली बात तो मुझे ये कहना है कि अगर उनकी हमारे प्रधानमंत्री के बारे में तू तड़ाक की भाषा है तो क्षमा करें खड़के साहब, ये आपके संस्कार है, हमारा वो स्तर नहीं है। लेकिन जितना हमारे प्रधानमंत्री को आप गाली पढ़ेंगे उतना ही हमारे प्रधानमंत्री का स्तर बढ़ता है और जनता के प्रति, जनता की आस्था उनके प्रति बढ़ती है। ये आज से नहीं, गुजरात से आप देख रहे हैं। क्या है खड़गे साहब, किसने कहा था मौत का सौदागर, क्या क्या बातें नहीं की गई। आज मोदी चमकते हुए निकलते गए और 24 में और कस के निकलेंगे। अब जहां तक आपका सवाल है कि कांग्रेस के अगुवाई में बनेगी, तो आपको यह सवाल मुझसे नहीं करना चाहिए, आपको यह सवाल नीतीश बाबू से करना चाहिए, जो प्रधानमंत्री के लिए इतने बेचैन हैं कि सभी विपक्षियों को जोड़ना चाहते हैं। मैंने आज तक तो नीतीश बाबू का हाल देखा ही नहीं कि आओ गले लग जाओ, मैं तैयार बैठा हूं, और कोई गले लगा ही नहीं रहा है। या कुछ बोलते हैं तो कांग्रेस पार्टी कह देती है कि जो लोग भाजपा के साथ रहे हैं वो पहले सोचें, कांग्रेस के बिना कुछ नहीं। आज खड़गे साहब बोले, तो मैं एक ही बात कहता हूं कि नीतीश बाबू विपक्षियों को जोड़ने की बात छोड़ दीजिए, पहले अपनी पार्टी को तो संभालिए, वहीं बिखराव हो रहा है। अब ये सब विषय पर मेरे पास कोई कमेंट नहीं करना है। मैं सर, कल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल क्या बिहार की राजनीति में मिलने जुलने पर भी परेशानी हो गई है क्या? हाँ, ऐसा तो नहीं है ना, मिलने जुलने में क्या परेशानी है। और जदयू के खंभे हिल रहे हैं, अगर उनकी, मैं तो आज तो और भी मुझे हमारे मित्रों ने बताया कि आरजेडी के एमएलए कह रहे हैं कि होली के बाद आप मुख्यमंत्री पर छोड़ दीजिए, तो ये भी सुन रही है। तो आगे आगे देखिए होता है क्या, हम तो अभी तमाशा देख रहे हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन प्रधानमंत्री का खाब लेकर के विपक्षियों को जोड़ने की बात चलने वाले नीतीश बाबू आज इतने निरीह क्यों दिखाई पड़ रहे हैं, ये भी सवाल है। तो आपने देखा इस वीडियो में किस तरह से आने वाले चुनाव को लेकर रविशंकर प्रसाद ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। जी हाँ, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले चुनाव में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। साथ साथ उनका ये कहना है कि जो नीतीश कुमार इतना बेचैन हो रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए कि तमाम विपक्षी दल को एकजुट कर लिया है, लेकिन आखिरकार जेडीयू का पाया हिल चुका है। जी हाँ, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जेडीयू कमजोर हो चुकी है, जेडीयू टूट चुकी है और आने वाले टाइम में जेडीयू खत्म हो जाएगी। साथ साथ उनका ये भी कहना है कि कांग्रेस जो लगातार ये कहते हुए नजर आ रही है कि जो भी विपक्षी दल यानी जो कांग्रेस के साथ नहीं है उसका कोई वजूद नहीं है, तो उस पर उनका ये कहना हो रहा है कि आने वाले दौर में भी बीजेपी की ही सरकार बनेगी। साथ साथ रविशंकर प्रसाद साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम तो तमाशा देख ही रहे हैं और आगे आगे देखेंगे और किस तरह का तमाशा होता है। साथ साथ उनका यह कहना हो रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरी तरीके से बेचैन हो गए हैं, इसलिए तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करना चाहते हैं। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।